गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, जैसा आप लोगों को पता ही है कि मैं अपने मम्मी के घर पे रहने के लिए आई हुई हूँ। सो कल तो थोड़ा अजीब लग रहा था एकदम से, मतलब उधर की आदत पड़ गई थी और अब एकदम से इधर आई थी तो थोड़ा सा अजीब लग रहा, बट अब जाके अब सब नॉर्मल हो ही चुका है। अब वही लग रहा है कि मैं पहले से सी पूछ रहा हूँ, शादी से पहले वाली वही सब चीज़ें आ रखी है। होते हैं समटाइम्स ना, क्योंकि वहाँ पे परी भी थी। परी को तो मैंने बहुत ज़्यादा मिस करा, परी की बातें आ जाती थी, पूजा पूजा पुपू पुपू करते आ जाती थी। तो फ़ोन पे भी कल भाभी से बात हो रही थी, तब भी पीछे पूजा 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 करी जा रही थी। सो अब आज यहीं पे हूँ। मम्मी को मैंने ये कहा, मैंने कहा जल्दी से ना सारा काम निपटा कर हम लोग क्या करते हैं, जो हमें मार्केट के काम करने हैं वो आज हम कराते हैं। सो मम्मी कह रही चलो आज निकल जाते हैं टाइम से। और अब आज तो थोड़ा मौसम ठीक लग रहा है, कल ज़्यादा ठंडी हो रही थी, मे बी शाम को ज़्यादा ठंड हो रही थी रात के टाइम पे, अभी तो नॉर्मल हो रखा है। तो जल्दी से जो भी हमें काम वाम करना है वो करते हैं। सो आइए आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। लंच में मम्मी ने आज बनाई है गोभी मटर की सब्जी बनाई है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है गोभी मटर की सब्जी, तो मम्मी आज वही बना रहे थे, मैंने कहा चलो आज मैं खा लेती हूँ। सो गाइज, मैं हो चुकी हूँ रेडी निकलने के लिए। मैंने आज ये नया वाला ही पहना है, ये कहते हैं जो मम्मी ने गिफ्ट दिया था, क्या कहते थे, हुडी। हाँ, तो ये हुडी बड़ी सुंदर है, तो ये वाली मैंने वेयर करी है। मैंने कहा चलो जाते हैं थोड़ी सी शॉपिंग करके आते हैं। लास्ट टाइम ही बर्थडे से पहले मैंने सोचा था दो चार चीज़ें और लेने की, बट आप लोगों को पता ही था मम्मी और मैं लेट ही निकले थे, तो मैंने कहा आज चलो टाइम पे जाती है। वैसे तो आज भी लेट हुई है, बट कोई नहीं, हमारा यही है। तो मम्मी भी हो गए रेडी, मैं भी हो गई रेडी, बस अब निकलते हैं, आगे आपको फिर अपडेट करते हैं। तो अभी मैं बस इनसेंसी आ रखी थी, मैं ना जीन्स से ट्राई कर रही थी, मेरे को दो तीन जीन्स पसंद आई है, तो देखती हूँ है ना, काफी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे जीन्स के भी, लोअर्स के भी है, ट्राउजर्स है, एवरीथिंग, मतलब काफी सारे ऑप्शंस है। फिलहाल तो मुझे जीन्स चाहिए थी, तो मैंने दो तीन लिए, देखती हूँ कौन सी समझ आएगी है ना। एक तो मैंने ये वाला टॉप ट्राई करा है, ये टॉप तो बहुत लूज आया है, सुंदर है बट वेरी वेरी लूज, तो मुझे इतना मतलब बहुत ज्यादा लूज है इतना ना, और स्वेटर्स क्या है वॉश करने के बाद और खुल जाते हैं। सेकेंड ये वाली जीन्स ट्राई करी है, अच्छी तो लग रही है, बट एक तो लंबी है, वो तो चलो लेंथ कम हो जाएगी, बट और ट्राई करती हूँ, अभी दो जीन्स और है इसकी, फिट ओके ओके टाइप की आई है मुझे ना। एक ये ब्लू वाली जीन्स ट्राई करी है, इसकी तो फिट सही आ रही है इसकी, बस वही लेंथ का है, थोड़ा सा ऐसे करके लेंथ सही हो जाएगी, बाकी फिट तो सही आ रहा है, कलर भी सही है। पर दूसरी ग्रे वाली मैंने ट्राई करी थी, वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इससे बेटर ना। सो एक ये वाली जीन्स मैंने ट्राई करी है, ये पहले मुझे इतनी पसंद नहीं आ रही थी कलर ना, बट इसकी फिटिंग्स वगैरह सब सही आ रखी है, सो मैंने कहा चलो एक ये वाली जीन्स ट्राई कर लेते हैं, ले लेते हैं फिर अच्छी फिटिंग आई है तो। सो गाइज, अभी कीन्स आए हुए हैं। एक तो ये ब्राइडल हील जो मेरी थी ना, मैं यहाँ पे ठीक करवाने के लिए देख रही थी, बिकॉज इसके ना स्टोन्स निकल गए थे, तो इन्होंने बिल्कुल पूरी ठीक कर दी एकदम, अब पहले जैसे एकदम नई हो गई, ब्रांड न्यू हो गई है, तो ये काम भी हो गया। दूसरा मैं शूज़ देख रही थी, बाकी तो बहुत हाई हील्स वाले थे, तो मेरे को ना एक थोड़े कंफर्टेबल वाले चाहिए थे, तो मैंने ये वाले देखे। इसमें ब्लैक कलर भी था, पर ब्लैक इतना मतलब ज़्यादा जचा नहीं जितना ये वाला अच्छा लग रहा था, ये सही लग रहा है ना, बेबी पिंक वाला सुंदर लग रहा था। और बाकी देखी गई सब में इतनी इतनी हील, जब मैंने हमें पिछली बार भी दिखाई थी बहुत हील सी, तो मैंने कहा चलो अब यही वाला ले लेती हूँ। शॉपिंग करके बस हम अतुल चाटते आया, मैंने कहा मम्मी पाव भाजी खाते बड़ी टेस्टी है, मम्मी कह रहे फिर सबके लिए ले लेते हैं, पैक करवा लेते हैं। हाँ, हमने कहा चलो गोलगप्पे तो खाते हैं, बस अभी टोकन लिया है और उधर पैकिंग हो रही है, चलो खाते हैं। पूजा का दिल कर रहा था पाव भाजी खाने का, मैं कहा ऐसे करते पैक करा के घर। लास्ट टाइम आई थी मन्नू के साथ खाई थी, बड़ी टेस्टी थी, हम हमेशा आके खाते तो है यहाँ पे। यहाँ तो मेन, जब भी मैं आपको बताऊँ हम यहाँ पे है ना, तो जरूर खाते हैं, इसके बिना गुजारा नहीं है, रजौरी आना तो यहाँ पे जा रहा है, यहाँ आना जरूरी है। तो गाइस, घर तो आ गई थी वापस, वैसे तो मैंने अपनी शॉपिंग दिखा दी थी, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, बस घर आकर भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो एक तो मैंने ये और जो जीन्स ली थी, शायद मैंने वहाँ से शॉप नहीं दिखाई थी, सो मैंने इनसेंस से ली थी रजौरी से। तो ये वाली एक तो मैंने ली है, ब्लू जीन्स ली है, स्ट्रेट फिट में ही ली है, स्ट्रेट फिट ही आजकल चल रही है, मैंने इसलिए ली है। और एक ये मैंने ग्रे कलर में ली है, सो ये वाला कलर बहुत, क्योंकि ब्लैक पहन नहीं सकते, तो मैंने कहा ब्लैक का ऑल्टरनेटिव फिर यही है, ग्रे ही पहन लो, सो इसलिए मैंने वाली ग्रे ली है। अगेन स्ट्रेट फिट है, स्ट्रेट फिट जीन्स चल रही है, नैरो बॉटम जीन्स सब आजकल चलना ही बंद हो गई है। ये वाली थोड़ी ये तो नीचे से नॉर्मल है, ये वाली थोड़ी ऐसे ऐसे बनी हुई है, तो ये अच्छी लग रही थी काफ़ी ना, मैंने कहा चलो ठीक है। और गाइज, कीन्स ये लिए हैं, पहले ना जितने भी लोग शॉपिंग करते होंगे
तो पहले जो बैग्स होते थे शू बैग्स वहाँ पे फ्री मिलते थे, अभी 5 रुपीज का एक बैग कर दिया, तो मैं 2 बैग लेकर आई थी इनसे 10 रुपीज के, और इनका इसका इन बैग का भी बिल दिया है। तो मैंने ये वाले शूज लिए, ये वाले मैंने शूज दिखाए थे, ये वाले शूज का जो प्राइस है 1500 है गाइस, 1500 रुपीज के शूज पड़े थे मुझे, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। इसमें ब्लैक कलर भी था, वाइट भी था, और पता नहीं और कौन से कलर थे, बट मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा था। और ये ना कंफर्टेबल है, ये रेगुलर में मैं इजिली वेयर कर सकती हूँ। बाकी जितने भी शूज थे ना हील्स में थे, वो फिर कभी कभार वाले पहनने वाले हैं, बट ये रेगुलर में इजिली वेयर कर सकती हूँ। तो मैंने कहा चलो ये वाले ले लेती हूँ। बाकी तो मैं अपनी वो केला जो कील्स से थी, हील जो ब्राइडल हील थी, वही लेकर आई थी, बिकॉज उसके सारे स्टोन उतर गए थे, तो अब वो एकदम उन्होंने ब्रांड न्यू करके दे दिए। तो बस आज तो फिलहाल ये लिया, और एक ये फोन कवर लिया था जो मैंने आपको पहले दिखाई दिया। इधर में दिखाया था कि हम लोग पाव भाजी लाए थे अतुल चाट से, सो मम्मी ने क्या किया और पाव मंगवा लिए, तो अभी ये भी एक मम्मी ने दिया है और पाव मंगवा लिए, और उसे भी सेक दिया, तो ये बहुत टेस्टी है, दिखने में इतनी टेस्टी है, गरम गरम सी, साथ में सैलेड है। सो गाइस अभी बस हम घर वापस आए हैं, घर आए तो देखा इतना ब्यूटीफुल सा था, हमें हैम्पर रिसीव हुआ है, बहुत सुंदर है गाइस। हाँ जी, तो मैं अभी आपको हैम्पर दिखाती हूँ। पहले मैं बता देती हूँ हमें हैम्पर कहाँ से आया है। ये आया है हमें श्री कृष्णा स्टूडियो से आया हुआ है, ये हैम्पर श्री कृष्णा स्टूडियो है, ये गुड़गांव बेस्ड है। तो ये सारे जितने भी वेडिंग गिफ्ट्स है, गिफ्ट हैम्पर है, वेडिंग एसेंशियल्स है, इवेंट प्लानिंग, गिफ्टिंग, गोल्ड ड्रेसेस, एक्सेसरीज, इनके पास सब कुछ है। और अभी हम आपको दिखाते हैं ये हैम्पर्स में क्या क्या है। बहुत बहुत प्रिटी हैम्पर है। तो अगर आप लोगों को भी अपने मतलब शादी फंक्शंस के लिए, अभी जैसे लोहड़ी फंक्शन आ रहे हैं, बिकॉज मुझे लोहड़ी का भी हैम्पर दिया हुआ है, गिफ्ट्स वगैरह देनी है, कपड़े लेने हैं आपको भगवानों के, तो आप इनसे ले सकते हैं। नंबर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, और जो इनकी इंस्टाग्राम की आईडी है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो मैं आपको एक एक करके हैम्पर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना हैम्पर दिखाती हूँ, मुझे ये आया है, इन्होंने ये दिया है, लोहड़ी स्पेशल दिया है। तो अभी तो मैं ओपन नहीं कर रही, मैं घर जाकर ही ओपन कर रही, मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा दूंगी। वैसे जो मुझे दिख रहा है, इसमें पॉपकॉर्न का पैकेट है, इसमें गजक है, पीनट रोल है, और नीचे भी पीनट्स है। वो एक बार मैं घर जाके दिखा दूंगी। वेरी ब्यूटीफुल पैकिंग, बहुत सुंदर बना हुआ है, देखिए बहुत प्यारा लग रहा है, तो बहुत डिजाइन्स बहुत अच्छे लगे हैं कि जो इनकी बास्केट की जो भी सामान है ना उसकी पैकिंग इतनी बढ़िया है ना, प्यारी पैकिंग है, देखिए अच्छी से पैकिंग कर रखी है, बहुत बहुत प्रिटी। मेन देखो जो भी सामान होता है ना पैकिंग से ही एक पता चलता है, पैकिंग अच्छी है तो सामान देने में काफी अच्छा लगता है। और जो मुझे जो मम्मी को इन्होंने भेजा है बहुत सुंदर है, देखिए पहले तो सुंदर ही देखिए कितना दिखने में बहुत सुंदर है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं गोपू की ड्रेस से। तो मैंने बताया हुआ है कि इनके पास भगवानों की भी ड्रेसेस है, तो इन्होंने गोपू के लिए भी ड्रेस भेजी है, और हमने ड्रेस तो खोल ली थी, बट ये वाली ड्रेस ना हमने आज तक कहीं भी नहीं देखी, मैंने नहीं देखी गाइस अभी तक। जितनी भी गोपू के लेने गई हूँ ना, ये मेरी फर्स्ट ड्रेस है जो मैंने ऐसी बिलीव करो आप, मैंने गोपू की अभी तक जितनी भी शॉप पे मैंने देखी है ऐसी ड्रेस मुझे कभी नहीं गाइस। ये देखिए ये ड्रेस आपको, ये देखिए पीछे से, ये ऐसे समझ नहीं आएगा, नहीं आएगा ये ड्रेस, तो ये अंदर फॉर्म लगे हुए सारे फॉर्म के ऊपर इन्होंने ये डिजाइन कर रखे है, वेरी वेरी प्रिटी डिजाइन, और साथ में इनका मैचिंग ये है। मुकुट गोपू के लिए थोड़ा सा बड़ा लगा है हमें, बाकी देख लेंगे कैसे क्या करना है। ये स्टॉल है और अंदर इधर इधर रह गया था, जो फैमिली होता है ना जो टॉप होता है ये वो, ये तो सेम गोपू के साइज का मुझे पता है डालने के आ रहा है। तो मैंने ऐसी वाली में नहीं देखी गाइस कि यहाँ से इतनी हैवी ड्रेस है, देखिए टेजर करके दिखाओ ना, बहुत सुंदर ये देखिए, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज्यादा बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया ड्रेस। पैकिंग नहीं देखी, पैकिंग इसमें आई है करके पूरा ऐसे, मतलब क्या कहते हैं चुप्पू के कहते से वेलक्रो, क्या कहते हैं वेलक्रो, वेलक्रो पापा उसको कहते थे, उसमें बैग बड़ा प्रिटी है, स्टोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इन्होंने हमें इसमें बास्केट में भेजे हुए नानकराई का बॉक्स भेजा हुआ, नानकराई है ना उन्नीस, तो वेरी वेरी प्रिटी बॉक्स, देखिए बहुत सुंदर है, बाद में इसको यूज भी कर सकते हैं, ये ट्रे हटा के इसको यूज कर सकते हैं। सबकी क्वालिटी जो बहुत बेस्ट है, क्वालिटी बहुत बेस्ट है, बेस्ट है, आप देखिए डिजाइन से ये पता चल जाता चीज का। नेक्स्ट इसके अंदर है, ये देखिए ये वाला बॉक्स है, ऐसे लॉक सिस्टम वाला है, अंदर इन्होंने इसके हर्शीज चॉकलेट भेजे हुए, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कस्टमाइज करवा सकते हैं।
सो इन्होंने के मतलब एक हमारे पास एक ये एक तरीके का भेजा आप देखिए हाँ। जैसे डिजाइन देखो आपको ये सेम ऐसे दिख रहे हैं और आगे भी देखिए बास्केट के आगे भी ये ऐसा ही बना हुआ है हाँ। और अंदर इन्होंने भेजी है दो पोटली, एक के अंदर तो बादाम भेजे हुए हैं, एक के अंदर काजू है, काजू के साथ इन्होंने ऐसी वाली जो मेवा व्हाइट में आती है ना ऑरेंज व्हाइट है चॉकलेट व्हाइट है मेवा व्हाइट है फ्लेवर है रोज व्हाइट है फ्लेवर और नीचे काजू डाल रखे तो ये पोटली भी बहुत सुंदर है। पोटली में भी अगेन देखिए यही डिजाइन है ये बस इतना ही इन्होंने दिया है। पोटली की क्वालिटी जो है बहुत बहुत बेस्ट है, एक चीज पता भी चलती है हाथ लगाने से भी हमें किसी की पूरी तो में वो भी खुश हो जाएंगे कि ढंग का पूरा एक हैम्पर है कि आप दोगे किसी को भी दो तो हैम्पर एक बहुत अच्छा है हाँ जी तो बहुत बहुत हमें सुंदर लगा है गाइस। तो अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसा मिलने चाहते हैं या फिर आपको इनका प्राइस वगैरह कुछ भी जानना है ऑर्डर करना है प्राइस जानना है स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप जाके इन्हें कॉल मैसेज कर लीजिए। और एक गुड़गांव बेस्ड है दिल्ली NCR में है सो ये ऑनलाइन आपको डिलीवर कर देंगे सो आप इनको जरूर कांटेक्ट कीजिए बहुत बहुत सुंदर कमेंट्स में जरूर बताना आपको कैसे लगी चीजें। और ये मैं फिर जो अपने घर जाऊंगी अपने घर ले जाऊंगी तो वहीं पे आपको खोल के अच्छे से इसको दिखा दूंगी पूरा दिखा देंगे अंदर क्या क्या है कैसे क्या है। सो गाइस बस आज वाला जो ब्लॉग है करती हूँ मैं यहीं पे एंड आई होप आपको हमारा आज वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए मैं मिलती हूँ आपसे कल वाले ब्लॉग में तब तक के लिए गुड नाइट टेक केयर बाय बाय।